नमस्कार, मैं डॉली सोही हाजिर हूँ आईपीएस डायरी से एक और सनसनीखेज कहानी को लेकर। अभी अभी आपने किसी की लाश देखी और उस लाश को सबसे पहले उसकी मां ने देखा। यह घटना है हिमाचल प्रदेश के एक शहर की, जहां अनीता ठाकुर नाम की महिला अपने परिवार के साथ रह रही थी। एक संपन्न परिवार था जिसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी से दुश्मनी। फिर क्यों घटी यह घटना, आइए देखते हैं। वॉचमैन, जी मैडम। कहाँ मर गए थे, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। अरे वो रात ज्यादा हुई ना तो थोड़ी आंख लग गई थी बस ऐसी। ठीक है, चले चले चले। खून, खून, बचाओ, बचाओ।
मम्मी क्या? ये सब कैसे हो गया? बीना, बीना, मेरी शादी हो गई। मैडम, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मुझे नहीं मालूम। पुलिस को मैंने बुलाया है। चलो, अरे क्या हो रहा है? चल पुलिस को अपना काम करना है, काम करने दो। फोटो खींच। बीना जी, आपको किसी पर कोई शक है? बीना जी, आपसे कुछ पूछा जाए। आपके पति की हत्या हुई है और उनकी लाश उनके मम्मी के घर में पाई गई। जब मेरे पति की लाश अनीता ठाकुर जी के घर से पाई गई है तो जाहिर सी बात है खून भी उन्होंने ही किया होगा अपने बेटे का। कोई खास वजह आपको अपनी? माँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप इस जायदाद का बंटवारा कर क्यों नहीं देती? अच्छा, ताकि तू मुझे सड़क पर फेंक दे। अरे कोई क्यों आपको सड़क पर फेंकेगा? ये कैसी अजीब बातें कर रही है? माँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी बेटी शीना और आपका दामाद भी यही चाहते हैं। और फिर माँ, पापा भी तो यही चाहते थे ना कि ये घर मेरे और शीना के नाम पर हो जाए। क्यों करो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो किसके बहकावे में आकर ये सब बोल रहा हूँ। ये लड़की जब से इस घर में आई है बस बंटवारे की ही बात कर रही है। ये तो चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं या मैं मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दामाद चाहते हैं कि वो दोनों घर मिला के एक घर बना लें। तो आप उनको उनका हिस्सा देकर हमारे साथ क्यों नहीं रह लेती हैं? ताकि तुम मुझे जहर देकर मार दो, है ना? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे वीना ऐसा क्यों चाहेगी? तेरी बीवी की औकात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, भिखारियों के खानदान की है और मुझ पर हुक्म चलाना चाहती है। घर से निकल जा इस घर से, जा यहाँ से। माँ, आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तेरी इतनी जुर्रत तूने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी माँ पर हाथ उठाया। आज से तेरा मेरा नाता टूट गया। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ और अगर तुम दोनों में से कोई भी इस घर में नजर आया तो मैं उसको खून कर दूंगी।
मैं नहीं मान सकती कि एक माँ अपने बेटे का खून कर सकती है, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। पर वो तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं, जब अनीता जी घर में अंदर आई तो उनके बेटे की लाश ऑलरेडी वहां पर थी। इसका मतलब है कि जब अनीता जी घर से बाहर थी उस वक्त कोई उनके घर आया था, लेकिन कौन? हो सकता है वही हो जिसका अनीता जी के घर में आना जाना रहता। मतलब अनीता जी के घर की चाबी किसी और के पास में भी रहती थी। किसी और के पास की चाबी, लेकिन एक चाबी तो हमें रिकी के जेब से मिली है। मतलब रिकी खुद दरवाजा खोल करके अंदर आया था। झगड़ा किस घर में नहीं होता, इस जमीन जायदाद को लेकर, खासकर मेरे जैसी औरत के लिए जिसके सर से उसके पति का साया उठ गया। I can understand. अच्छा एक बात बताइए, आपकी घर की चाबी किसके पास रहती है? मैं अपने घर की चाबी घर के बाहर छुपा दिया करती थी। एक्चुअली हमारे घर की दो चाबियां थी, एक मेरे पास रहती थी और दूसरी रिक्की के पास, क्योंकि वीना आ जाया करती थी। उस दिन दूसरी चाबी किसके पास थी? उस दिन जब वीना और मेरे बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ तो रिक्की अपनी चाबी यहीं फेंक कर चला गया, ये कहकर कि आज के बाद वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। ये रही दोनों चाबियां, एक जो मेरे पास रहती थी और ये जो रिक्की के पास। कमाल की बात है, अनीता के कहने के मुताबिक उसके पास चाबी के दो सेट हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी वो जो रिक्की उसे लौटा गया था। लेकिन तो फिर ये तीसरी चाबी का सेट कहां से आया? इस पूरे खेल में एक एक्स्ट्रा चाबी का सेट बनाया गया है, और वो भी चोरी के इरादे से नहीं, रिक्की के मर्डर के इरादे से। वॉचमैन, वॉचमैन, ना जाने कहां मर गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? दरवाजा बंद हो गया, चाबी अंदर ही रह गई। वॉचमैन को भेजा था चाबी वाले को लेने, और देखो अभी तक नहीं आया। अच्छा ऐसे कैसे बंद हो गया, और तुम बाहर निकली क्यों थी? मेरा मतलब है कि अगर बाहर निकली थी तो चाबी लेके निकलनी चाहिए थी ना, या फिर दरवाजा अंदर से अनलॉक करके निकलती। खड़े खड़े लेक्चर तो झाड़ रही है, ये भी नहीं कह सकती कि अंदर आ जा। तुझे अंदर कोई क्यों बुलाएगा, इतनी बदतमीजी से बात करती है, प्यार से तो बात तुझे करनी नहीं आती। आ जाओ यार जल्दी आ जाओ। ये लो आ गया, इतनी देर कहाँ लगा दी? आ गया मैडम। दूसरे देश गया था क्या चाबी वाले को लेने, कितनी देर लगा दी? चलो घर। मैडम दूसरे देश कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी देश में गया था इसको लेने के लिए। वहाँ हर कोई 2000 रुपए मांग रहा था एक ताला खोलने के, ये तो फिर भी 1000 रुपए मांग रहा है। इतने ज्यादा? नया दरवाजा बनवाना है क्या? ये ले, लेने हैं तो ले, नहीं तो निकल यहाँ से। मैडम ये चाबी वाला मेरी जुबान पर आया है। तेरी जुबान? हाँ। तो एक काम कर, अपनी जुबान काट के इसे दे दे। मैडम ये चाबी वाला मेरी जुबान पर आया है। तेरी जुबान? हाँ। तो एक काम कर, अपनी जुबान काट के इसे दे दे। मैडम मैडम अरे सुनो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अरे रुको तो सही, मैं भी करवा। अरे राम सिंह तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 500 रुपए देती हूँ, तुम इसे दे देना। और वैसे भी ये औरत तो ऐसी ही है, और हाँ चाबी वाला तुम अपना नंबर मुझे दे के जाना, जब भी मुझे जरूरत होगी तुम आ जाना, ठीक है? मैं हूँ ना, मैं बुला लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम बुला लेना।
ये अनीता ठाकुर बहुत ही कंजूस और कमीनी किस्म की औरत है। ये किसी की सगी नहीं है। जो अपने बेटे बहू की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? तुमसे जितना पूछा गया उतना जवाब दो। अनीता ठाकुर का दरवाजा अपने आप खुला था या फिर डुप्लीकेट चाबी बनाई थी? अपने आप खुला था? अरे नहीं नहीं मैडम, वो चाबी वाले ने आकर खोला था। ये औरत हर एक से झगड़ा करने लगती है। बराबर वाले घर में इसकी बेटी रहती थी, उसकी इसी आदत की वजह से वो अपने पति को लेकर यहाँ से छोड़कर चली। बेटी? जी। क्या नाम है उसका और कहाँ रहती? ये तो पता नहीं कहाँ रहती है वो, लेकिन उसका नाम शीना था। शीना। जी। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी, रिक्की मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। पर इस इन्वेस्टिगेशन से एक बात सामने आई कि कहीं ये झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर तो नहीं है। राम सिंह के बयान से पुलिस को एक बात और पता चली कि रिक्की की एक बहन है जो विदेश में अपने पति के साथ रह रही है और जिनकी अनीता ठाकुर के साथ अनबन है, इसीलिए शायद रिक्की ने अपना रिश्ता उनके साथ तोड़ लिया था। कातिल आसपास ही था लेकिन बड़ी चतुराई से पुलिस से बच रहा था। ये तो होना ही था एक दिन, अगर आप अपनी जिद पर नाड़ी होती तो। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? तो खो दो दिया अपने पति, खो दो दिया अपने पति, खो दो दिया अपने पति, खो दो दिया अपने पति। अगर रिक्की की बात मान लेती तो ये नौबत ना आती, दे देती ये घर अपने दामाद को। कैसी नौबत? अच्छी तरह जानती हूँ, सबकी नजर मेरे घर पर है। नहीं दूंगी, अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी पर उनको नहीं दूंगी। तो ठीक है, मत दो, जला देंगे तुम्हारी आत्मा, जला देंगे तुम्हारी आत्मा। शर्म करो, चुप करो। अभी अभी हमने अपने रिक्की को खोया है और तुम इस तरह जानवरों की तरह लड़ रही हो, जानवरों की तरह लड़ रही हो। क्यों भाई, क्या हो रहा है? हाँ, आपके घर में एक लड़की की मौत हुई है, कत्ल हुआ है लड़के का, और आप दोनों हैं कि लड़ी जा रही हो भी घर के लिए। क्यों अनीता जी, कुछ बोलिए। अरे आप बोलेंगी नहीं तो रिक्की के कातिल को कैसे ढूंढेंगे हम? मेरे बेटी और दामाद अक्सर वीकेंड पर घर आया करते थे। मेरा दामाद चाहता था कि ये दोनों घर मिलकर एक हो जाएं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। इन सब की नजर मेरे घर पर थी और फिर मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। इसी बात को लेकर रवि और मेरे बीच बहुत झगड़ा हुआ। रिक्की ने ये सब देख लिया और रवि और शीना को घर से निकाल दिया। जाते जाते रवि धमकी देकर गया कि अगर यही सब चलता रहा तो एक न एक दिन किसी की जान चली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि ने? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि एक बहन अपने भाई को मार देगी। अनीता जी के घर का दरवाजा तुमने खोला था? अनीता जी, हाँ। तुमने कोई डुप्लीकेट की बनाई थी? नहीं, मैंने मास्टर की से दरवाजा खोला था। मास्टर की? हाँ, इससे कोई भी दरवाजा खोला जा सकता। इससे तो कोई भी दरवाजा खोल सकता? नहीं, इसकी भी एक अपनी खास टेक्निक होती है, ऐसे कोई भी कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। इसका मतलब है कि तुमने कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनाई? नहीं।
क्या हुआ मैम? चाबी वाले का कहना है कि उसने कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं, तो फिर ये तीसरी चाबी आई कहां से? अनीता के बयान के मुताबिक भी दोनों चाबियां अनीता के पास में थी। तीसरी चाबी वही बना सकता है जिसके पास एक और चाबी, या फिर वो हो सकता है जिसको पता हो कि एक चाबी कहां पर रखी है। ये तो सिर्फ अनीता को पता हो सकता है, क्योंकि उसने बताया था कि उसके पास दो चाबियां थी, तो ये अनीता को पता था, और दूसरा रिक्की को जिसकी मौत हो चुकी है, और उसकी बीवी वीना को पता। और जहां तक रिक्की के बहन और जीजा का सवाल है, वो लोग तो यहाँ रहते ही नहीं, वो लोग विदेश में, तो उन पे तो हम शक नहीं कर सकते। तो ये तीसरी चाबी बनाई किसने, और जिस किसी ने भी ये तीसरी चाबी बनाई है, रिक्की का कत्ल उसी ने किया, पर क्यों? रिक्की का कातिल वही था जिसने अनीता के घर की तीसरी चाबी बनाई, पर कौन? जायदाद को लेकर घर में झगड़ा होना आम बात है। ज्यादातर केसेस में अगर बातचीत से समस्या नहीं सुलझती तो ऐसा हादसा घट जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कत्ल हो चुका था, पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि कातिल घर का कोई मेंबर ही है, लेकिन कौन? इस कहानी को हम यही रोकेंगे। अगली कड़ी में देखेंगे कि रिक्की का कातिल आखिर है कौन। तब तक आप जागरूक रहिए, क्योंकि अगर देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।